नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजी टेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों स्थानांतरण 2022-23 की नीति का अनुमोदित कर दी गई है, मतलब स्वीकृति अभी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। गवर्नमेंट योगी सरकार की एक बैठक हुई और जिसमें जो है इस पेज पर अनुमोदन हुआ है। अनुमोदन में क्या है, कौन सी बात का जिक्र है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, बहुत डिटेल में तो नहीं है, लेकिन जो लेटर जारी हुआ है सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उस लेटर को एक बार पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। भाई ये बहुत ज़रूरी है कि जो है ट्रांसफ़र होने चाहिए, क्योंकि नौकरी तभी अच्छी लगती है जब साथ में परिवार हो, और काफ़ी लंबे समय से बहुत दूर दूर तक पड़े रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, तो उसका रहता है, उसका असर भी पड़ता है ड्यूटी पर। तो चलिए हम देखते हैं क्या, थोड़ा शोर ना करो, दो मिनट बस। तो फिर ये आदेश है, बिल्कुल लेटेस्ट है। मंत्री परिषद ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ 2022 तक नीति को अनुमोदित कर दिया। स्थानांतरण केवल 22-23 के लिए है। स्थानांतरण दिनांक 30 जून 2022 तक किए जा सकेंगे। समूह का और खा के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए जाने के स्थानांतरण की व्यवस्था है। समूह का खा के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% का समूह गा और घा के संवर्ग कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10% तक की सीमा तक किए जा सकेंगे। समूह खा और गा के कर्मियों का स्थानांतरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। समूह गा कर्मियों के पटल परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासन आदेश दिनांक 13 मई 2022 को कड़ाई से अनुपालन किए जाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला के संबंधित जनपद एवं बुंदेलखंड में समस्त जनपदों में तैनाती करके संक्षिप्तकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके का आदेश आया हुआ, अभी लोकल स्तर से भी आदेश आएंगे, विभाग स्तर से भी आदेश आएंगे, तो फॉर्मेट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिलहाल कि ट्रांसफ़र की संभावना, मतलब आदेश आ गया है कि जून तक का कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।